जी हम मौजूद हैं आज नूह जिले के करीबन 8 किलोमीटर दूर उजीना गांव में। आप बताइए आज धनतेरस है। धनतेरस का आप देख सकते हैं बाजारों की रौनक काफी दिखाई दे रही है, क्योंकि बता दें कि आज धनतेरस के दिन लोग काफी खरीदारी करते हैं। और बता दें कि ज्यादा करके लोग यहां पर जो बर्तन की खरीदारी ज्यादा करते हैं, क्योंकि बता दें कि जिस तरह से आज के दिन काफी लोग पूजा के बर्तन और अन्य सामान यहाँ पर खरीदी देखी जाती है। लेकिन बता दें कि बरसात के मौसम के चलते काफी असर देखने को मिला है बाजार की भीड़ के देखने के, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों ने तैयारी की थी धनतेरस को लेकर, दुकानदारों की तैयारी कर बात करते हैं, दुकानदारों ने जिस हिसाब से तैयारी की थी उस हिसाब से को लेकर बरसात ने सारा फीका कर दिया। लेकिन हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे भी बात करना चाहेंगे आखिर कितने उनको यहाँ पर जो धनतेरस के दिन देखा जा रहा है, क्योंकि अभी जो बता देगी जिस हिसाब से लगातार नूह शहर जो सुर्खियों में रहा था, क्योंकि जिस हिसाब से 31 और 29 तो उसके बाद काफी लोग बाजार के अंदर नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर कितने लोग यहाँ पर आ रहे, क्योंकि बता दे कि ये जो गाँव है जो बाजार लगता है कई गाँव का बाजार यहाँ पर लगता है और कितने लोग यहाँ पर आते हैं, हम उनसे भी बात करेंगे आखिर पहले में और अब में कितना फर्क आज देखने को मिला है। बात करें कि पहले जो धनतेरस पिछले साल की अगर बात करते हैं, पिछले साल से बहुत कम काम है, बिल्कुल तुम देख रहे हो यहाँ पर ग्राहक बिल्कुल भी नहीं है और बारिश के मौसम में रही सही ग्राहक भी खत्म हो गई। तो अभी कब से मतलब ग्राहक आने स्टार्ट हुए हैं? सुबह 10-11 बजे के थोड़ा हल्का ग्राहक था, 2 बजे के बाद और 5 बजे के बाद बारिश का मौसम ऐसा हुआ कि बिल्कुल भी ग्राहक नहीं है। लेकिन बात करें जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं धनतेरस के दिन, सबसे ज्यादा क्या चीज बिक्री हो रही है? ये तो मतलब नॉर्मल सभी सामान जो भी है, मतलब ग्राहक जो भी बर्तनों का सामान है, भगोना है, ट्रे है, मिल्क पॉट है, बर्नी है, या जो गिलास है, कटोरा, तांबे के लोटा, तांबे के स्टील के लोटा, लगभग आमतौर पर सभी बिक रहे हैं। जी बिल्कुल, पहले की अगर बात करते हैं पहले में और अब में काफी फर्क देखने को मिला है, क्योंकि जिस हिसाब से बता रहे कि जो पहले जो सामान बिकता था उसमें और अब में काफी फर्क है, लेकिन जो रह सा था वो बरसात ने सारा कुछ खत्म कर दिया गया है, क्योंकि आज थोड़ी सी बरसात हुई, क्योंकि आपको बता दें कि जिस हिसाब से लगातार प्रदूषण फैल रहा था, प्रदूषण को देखते हुए आज थोड़ी सी बरसात हुई और प्रदूषण का जो कह रहे हो थोड़ा कम नजर हुआ है। अब देखना ये होगा कि आखिर जी बरसात के मौसम से कितना असर दुकानदारों को पड़ा है। नूह से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।